तो सबसे पहले डिप्रेशन क्या है? तो डिप्रेशन वो स्टेट ऑफ माइंड है जहाँ इंसान को अपनी लाइफ में कोई वैल्यू ही नहीं नजर आती और वो मानसिक तनाव का शिकार हो जाते हैं। तो आज हम आपको कुछ ऐसे ही बातें बताएंगे जो आपको डिप्रेशन से दूर रखेगा। सबसे पहले, अगर आपका एनिमी या फिर आपका राइवल आपका मजाक बनाता है लोगों के बीच, तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है और वो आपसे जलता है ताकि वो आपका ध्यान भटका सके। तो आपका एनिमी आपके बारे में क्या सोचता है उस पर ध्यान ना देके आपको अपने काम पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि डिप्रेशन से बचने का बेस्ट वे है बिजी रहना। और जब आपको आपकी मंजिल और आपके काम में सक्सेस मिल जाता है, तब वो अल्टीमेटली आपके राइवल और आपके एनिमी के लिए बहुत बड़ी हार होती है और इसी तरह आप लाइफ में मूव ऑन होते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के सोशल मीडिया के ज़माने में एक चीज़ बहुत ही कॉमन है कि भले ही लोगों के सोशल मीडिया जैसे फेसबुक इंस्टाग्राम पे हज़ारों में फ्रेंड्स हों, लेकिन उनमें से एक भी उनके सच्चे फ्रेंड्स नहीं होते। और जब वो लोग डिप्रेशन से सफ़र कर रहे होते हैं, तब उनका एक भी फ्रेंड उनकी बात नहीं सुनता। तो ये है सोशल मीडिया का एडिक्शन। तो मेरे कहने का मोटिव बस इतना है कि हमारी लाइफ में एक सच्चा फ्रेंड होना चाहिए जो हमारे खराब समय में हमारी बातों को सुने और समझे। फिर वो कोई भी हो सकता है, आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक बात हमेशा याद रखिए कि कोई भी बुरा वक्त हमेशा के लिए नहीं टिकता। तो ऐसे वक्त में हमें उस प्रॉब्लम का सामना करना चाहिए, ना कि डिप्रेशन का शिकार होना चाहिए। और ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि लाइफ एक कंटिन्यूस साइकिल है। लाइफ में एक प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद दूसरी प्रॉब्लम अपने आप आ जाएगी। तो क्या आप इस वजह से अपने चेहरे की स्माइल मिटा देंगे? एक बार मैं साइकिल चला रहा था, तब मुझे ख्याल आता है कि कितनी सैड लाइफ है मेरी। ना मेरे पास उतने पैसे हैं कि मैं अपने ज़रूरतों को पूरा कर सकूं, ना मेरे पास अपने बाकी दोस्तों की तरह एक अच्छी सी कार है। लेकिन उतने में ही मैं अपने पास खड़े एक गरीब बच्चे को देखता हूँ जो बड़े ध्यान से मेरी साइकिल को देखे जा रहा था, मानो जैसे उसे वो साइकिल चाहिए हो। और उस बच्चे के पास कुछ भी नहीं था। इनफैक्ट उस बच्चे ने अपने पैरों में चप्पल भी नहीं पहने थे, इसके बावजूद भी वो लड़का खुश था और अपने भाई बहनों के साथ खेल रहा था। हमारी लाइफ में भी इसी तरह कई सारी प्रॉब्लम्स होती है, और उन प्रॉब्लम्स के बीच में भी हम अपनी लाइफ में खुशियाँ ढूंढ लें, वही हमारी लाइफ को मीनिंगफुल बनाता है। बिकॉज ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ इज़ टू मेक लाइफ मीनिंगफुल।